हेलो एवरीवन, मेवा नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो प्यार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, NHM GNM CHO RRB स्पेशल MCQ सीरीज अपने परवान पर चढ़ चुकी है और आगे से आगे बढ़ रही है। तो जल्दी से जल्दी एक क्लास को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर बातें बहुत नई होगी, अजब गजब होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो बिना किसी डिले, बिना किसी इंतज़ार के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ में, कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, अपने परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आज की इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो पहला MCQ आप सभी के सामने, ए क्लाइंट हैज रिसीव्ड फ्रॉम डिसकम्फर्ट फ्रॉम एपेप्टिक अल्सर, द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड टू एडवांस, द क्लाइंट डाइट सॉलिड फूड, द क्लाइंट लॉन्च ट्रे अराइव, विच फूड शुड द क्लाइंट अवॉइड ईटिंग। ये पूछ रहा है, पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है और ऑर्डर्ड किया है डॉक्टर ने एडवांस्ड, ठीक है, क्या क्लाइंट डाइट टू सॉलिड फूड। अब ये क्लाइंट के पास में जो है लंच ट्रे लाई है, नर्स लाई होगी, तो विच फूड शुड द क्लाइंट अवॉइड ईटिंग, कौन सा फूड जो है पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है, पेप्टिक अल्सर वाले को कौन सी यहाँ पे चीज़ें अवॉइड की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑरेंज। अब देखो, ऑरेंज वाली चीज़ें इस पेशेंट को नहीं खानी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें ऑरेंज वाली चीज़ें इस पेशेंट को अवॉइड रहेगी, ये क्या रहेगी, अवॉइड रहेगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ लिवर, लिवर का कौन सा फंक्शन यहाँ पे नहीं है, ऐसा पूछा है प्यारे दोस्तों। पहला लिखा है ऑप्शन प्रोड्यूसिंग बाइल, दूसरा ऑप्शन है रिमूविंग हॉर्मोन फ्रॉम बॉडी, और फिर लिखा प्रोड्यूसिंग एल्बुमिन और एब्जॉर्बिंग वाटर। कौन सा जो फंक्शन है वो लिवर का नहीं है, कौन सा रोल है जो लिवर का नहीं है, ऐसा पूछा है। तो बाइल का प्रोडक्शन तो लिवर करता है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो ये तो हो गया करेक्ट। रिमूव हॉर्मोन फ्रॉम बॉडी, बॉडी से हॉर्मोन को रिमूव करना, ये काम भी यहाँ पे इसका ही काम होता है। और प्रोड्यूसिंग एल्बुमिन ग्लोबुलिन, इनका सिंथेसिस लिवर ही करता है। फिर लिखा है एब्जॉर्बिंग वाटर, ये जो काम है ना, ये काम प्यार दोस्तों करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है एब्जॉर्ब करने का वाटर को, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। ये किसका काम होता है, एक तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, ठीक है, ये इसका काम होता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का, ना कि लीवर का होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये MCQ समझ में आया, और लीवर के काम क्या हो सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी प्रकार से, अगर लीवर के यहाँ पे फंक्शन की मैं अगर बात करूँ आप सभी के सामने, तो लीवर के जो फंक्शन निकल के आते हैं अपने पास में, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, ये मैंने लिखा फंक्शन ऑफ लीवर। पहला जो फंक्शन है ना इस लीवर का, बाइल को प्रोड्यूस करना अपन ने पढ़ी लिया, ठीक है, ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है किसका करता है, फैट का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है एंड प्रोटीन का करता है, किसका करता है, प्रोटीन का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या करता है, यह मेटाबॉलिज्म भी
करता है, कौन करता है, लीवर करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बनता है एग्ज़ाम में, बार बार बनता है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है प्यार दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी लीवर की, तो लीवर से बाइल का प्रोडक्शन होता है, बाइल बनता है, बाइल प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी लीवर से और मैं अगर बात करूँ आगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। और ग्लूकोज का स्टोरेज, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोरेज रहता है, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज का स्टोरेज है, ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है, ठीक है। और बाइल का स्टोरेज यहाँ पे नहीं होता है, बाइल का स्टोरेज होता है यहाँ पे, ठीक है, बाइल का स्टोरेज कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में। और यहाँ पे एल्बुमिन ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन का भी होता है, ठीक है, एंड एल्बुमिन ग्लोबुलिन और बिली रूबिन भी कहाँ पे बनता है, मतलब यहीं से होके गुजरता है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है लीवर के, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू की, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया आपको देना है, उस समय क्या पूछ रहा है, मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हाइपरथर्मिया, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड ब्रेडीपनिया। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन पूछा है, किसका कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया का, मोस्ट डेंजरस। तो हाइपरथर्मिया का मतलब तो होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है हाइपोथर्मिया में तो होता है यहाँ पे कम, और हाइपरथर्मिया में बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज होना। यहाँ पे लिख दो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरथर्मिया। हाइपोटेंशन, बीपी ब्लड प्रेशर का कम होना, बीपी डिक्रीज, ठीक है। टेकिकार्डिया, यानी टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। और ब्रेडीपनिया, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना, ब्रेडी का मतलब कम, टेकी का मतलब ज़्यादा। तो राइट आंसर यहाँ पे हाइपोटेंशन, यानी बीपी कम होगा। अब ये बीपी कम क्यों होगा प्यार दोस्तों, तो इसका एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। ये बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये बीपी कम क्यों हो रहा है प्यार दोस्तों, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हो आप, ठीक है, तो प्रेशर ब्लड का यहाँ पे कम ऑब्वियसली हो गई होगा। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये आपके सामने देखो एक चीज़ दिख रही होगी, डीएनएस की ड्रिप दिख रही है, फिर ये यहाँ पे कनेक्टेड है इस इन्फ्यूज़न से, मशीन से, और ये इन्फ्यूज़न मशीन से फिर यहाँ पे सेट हो रही है, मतलब ये वार्म करने की मशीन है कुल मिला के, किसको, यहाँ पे फ्लूड को। तो यहाँ पे है देखो वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूज़न पंप बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या काम करता है, सेट द इन्फ्यूज़न वॉल्यूम, इन्फ्यूज़न के वॉल्यूम को सेट करने के लिए इसका काम होता है, इस ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आप सभी के सामने क्या पूछा है एमसीक्यू, आज थोड़े एमसीक्यू को अपन थोड़े यहाँ पर धड़ाधड़ तरीके से ही पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो टू प्रिवेंट हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया द क्लाइंट शुड बी पोजिशनड, कौन सी पोजिशन देंगे अपन, पहली है प्रोन, फिर है फ्लैट बेड फॉर 6 to 8 आवर एंड सेमी फाउलर पोजिशन एंड मॉडिफाइड ट्रेंडलेनबर्ग पोजिशन। स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने दिया है, ठीक है, तो प्रोन पोजिशन दोगे क्या, कौन सी पोजिशन दोगे आप खुद बता सकते हो इसका आंसर। राइट आंसर इसका होगा बी, फ्लैट, यानी सुपाइन ही लेटना है 6 से 8 घंटे,
कैसे लेटाना है, सुपाइन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग द क्लाइंट इनटू द ऑपरेटिंग रूम। पहला है ऑप्शन पोजिशनिंग एंड स्किन प्रिपरेशन, फिर लिखा है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, और फिर लिखा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और वाइटल साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग द क्लाइंट इनटू द ऑपरेटिंग रूम। पोजिशन और स्किन प्रिपरेशन सब बाद में, पहला है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये भी बाद की बात है, वाइटल साइन। अब देखो दो ऑप्शन यहाँ पे तो आपको झकझोड़ेंगे कि पहला है क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन करना, कहाँ पे ये एडमिट कर रहे हो आपके इसमें ऑपरेटिंग रूम में, तो उससे पहले तो देखो ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होते हैं सारे के सारे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना, क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन और करेक्ट कंसेंट वगैरह सब प्री ऑपरेटिव में। लेकिन अब ऑपरेटिव रूम में जा रहा है तो अपना लास्ट यहाँ पे एक्शन यही रहेगा, तो ये भी खराब हो गया, जवाब खोटा हो गया। तो ये है ना, ये अपना सिक्का जो है वो अच्छा है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है, वाइटल साइन आपको सबसे यहाँ पर एंड में चेक करना ही है और फिर उस पेशेंट को भेजना है। ठीक है, इसको आप रिजेक्ट कर देना क्योंकि वाइटल साइन ही ऐसा है, यहाँ पर कंसेंट है, प्रायोरिटी पर आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, ये सब प्री ऑपरेटिव है, यहाँ पे ऑपरेटिव पूछा है, यहाँ पे मैं अगर लगा देता प्री ऑपरेटिव में, यहाँ पे प्रायोरिटी कंसेंट क्या रहेगा, तो फिर प्रायोरिटी भी ये जाता है कि आपको कंसेंट लेना है। ठीक है, इस बात का पता चला। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एनपीओ 6 to 8 hours बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले आप 6 से 8 घंटे पेशेंट को क्या रखते हो, एनपीओ रखते हो, मतलब नथिंग बाय माउथ, कुछ भी नहीं देते हो माउथ से, वो क्यों करते हो बिफोर सर्जरी। इसका कारण पूछा है, टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया, टू प्रिवेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। बताओ इसका जल्दी से राइट आंसर, और लगा दो स्क्रीन पर एक नया आंकड़ा, लगा दे आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं जो एग्ज़ाम की खोपड़ी फोड़ के छीन ले सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, मगर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर चलती है दुनिया, चलने को तो एक पांव पर चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो जाएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर जाएगा कि 6 से 8 घंटे अपना यहाँ पे पेशेंट को अपन क्या रख रहे हैं, एनपीओ रख रहे हैं, खाने में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये माल न्यूट्रिशन तो नहीं जाएगा, माल न्यूट्रिशन तो नहीं जाएगा, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई यहाँ पे बीमारी है ही नहीं, तो इसका भी आंसर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, ये भी यहाँ पर जवाब के रूप में नहीं जाएगा। अब जवाब के रूप में जो आंसर जाएगा ना प्यारे दोस्तों, वो सीधा का सीधा एस्पिरेशन वाला चला जाएगा, और राइट आंसर बी चला गया। ठीक है, चली तो चली, मैं क्यों चली इतनी आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, फाइंड आउट इट, ये क्या है और ये क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या है, ये है आपकी यहाँ पे यूनिपोलर, यूनिपोलर कोटरी, यूनिपोलर कोटरी, यूनिपोलर कोटरी, और ये क्या है बाईपोलर कोटरी, ये क्या है बाईपोलर, बाईपोलर कोटरी। ठीक है, अब ये यूनिपोलर क्यों बोलते हैं और इसे बाईपोलर ही क्यों बोला है अपन ने, तो ये है यूनि यानी एक ही इसके पोल है, ठीक है, और इसके दो है, तो इसीलिए यूनिपोलर बाईपोलर कोटरी। आया समझ में। नेक्स्ट, मोनोपोलर भी बोल सकते हो या यूनिपोलर भी बोल सकते हो, ठीक है, और बाईपोलर भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से इसको बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप इसको मोनोपोलर कोटरी ड्यूरिंग सर्जरी कटिंग द टिश्यू, टिश्यू को कट करने के लिए, एंड आर्टरी को है ना ब्लॉक द आर्टरी, ब्लॉक द आर्टरी,
आर्टरी को ब्लॉक भी करता है एंड दोनों ही काम करते हैं, इसके दोनों ही काम होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आप सभी के सामने, क्या पूछ रहा है कि देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया ही चल रहा है, मतलब ओटी का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है अपने, ठीक है, कुल मिला के तो ओटी का एक चैप्टर ही यहाँ पे चल रहा है, उसी के एमसीक्यू यहाँ पर धड़ाधड़ आते जा रहे हैं और अपन एक बाय वन करके सॉल्व करते जा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय द क्लाइंट हो अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। द क्लाइंट एक्सपीरियंस एमिनेशिया, क्लाइंट इज अनकॉन्शियस, क्लाइंट इज अवेक एंड क्लाइंट एक्सपीरियंस टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। अब यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया है इन्होंने, तो क्या वो एमिनेशिया का शिकार होगा, क्या वो अनकॉन्शियसनेस फील करेगा, क्या वो अवेक रहेगा बिल्कुल, क्या एक्सपीरियंस टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। तो इसका राइट आंसर सी जाएगा, वो बिल्कुल अवेक रहेगा, ठीक है, हिलेगा डुलेगा, दो हिल भी सकता है, डुल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी ही यहाँ पे अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया कितना लगाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपर बॉडी को यहाँ पे किया है या लोअर बॉडी को किया है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है व्हेन द क्लाइंट वॉमिट, जब पेशेंट वॉमिट करता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट। अपन वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, रप्चर ऑफ सुचर लाइन, डिहाइड्रेशन, एस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो व्हेन द क्लाइंट वॉमिट, जब क्लाइंट वॉमिट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा प्रिवेंट को, तो रप्चर द सुचर लाइन। अच्छा ये ऑपरेशन के बाद की पूछ रहा है, मतलब इसने कोई क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है, कुल मिला के कोई बात नहीं, तो ऐसा काम अपन नहीं करेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं, एस्पिरेशन हो सकता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दोनों ही हो सकते हैं, तो एस्पिरेशन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, हेडेक आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ड्यू टू, हेडेक, हेडेक के बारे में पूछा है, हेडेक स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में क्या क्यों होता है, लॉस ऑफ सीएसएफ थ्रू ड्यूरल हॉल, फिर लिखा ट्रैक्शन प्लस द स्ट्रक्चर्स विद एब्डोमन, पैरालिसिस ऑफ वेजोमोटर नर्व और एडमिनिस्टर ऑफ लार्ज अमाउंट और हैवी कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। हेडेक होता है देखो सीएसएफ का लॉस होने की वजह से, राइट आंसर क्या चला गया, ए, ए इज द करेक्ट। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी इन्वॉल्व, मॉडिफाइड मास्टेक्टोमी इन्वॉल्वड, जिसके अंदर एंटायर ब्रेस्ट, एक्सिलरी लिम्फ नोड और पेक्टोरलिस मसल्स, इनको रिमूव किया जाता है, क्या इसको अपन रेडिकल मास्टेक्टोमी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ लंप इन द ब्रेस्ट, क्या इसको बोलेंगे, क्या एंटायर ब्रेस्ट, एक्सिलरी नेक लिम्फ नोड इंक्लूडिंग पेक्टोरलिस मसल्स, और फिर लिखा है एंटायर ब्रेस्ट निप्पल और रिमेन इंटैक्ट, तो राइट आंसर सी चला गया, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है, इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, इसको बोलेंगे मास्टेक्टोमी, वो भी रेडिकल वाली, रिमूव एंटायर ब्रेस्ट, एक्सिलरी एंड नेक लिम्फ नोड इंक्लूडिंग पेक्टोरलिस मसल्स। नेक्स्ट है ये क्या है, इन्फ्यूजन सेट है, क्या है ये, इन्फ्यूजन सेट, सिरिंज पंप बोलते हैं जिसे, इन्फ्यूजन वॉल्यूम सेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेट साइन ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स, बहुत हाई लेवल का एमसीक्यू है ये, ट्रेकियल डेविएशन, पहला यहाँ पर ऑप्शन क्या है, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, ट्रेकियल डेविएशन और डिस्निया, ये न्यू टेंशन जो न्यूमोथोरेक्स है ना, ये कहाँ की बीमारी है, तो ये देखो ये आपके दोनों ही लंग्स हैं, लंग्स के बाद में ये आपका क्या है, ट्रेकिया है, और ट्रेकिया यहाँ पे डिवाइड होता है। अब देखो ये जो न्यूमोथोरेक्स है ना, ये डेवलप होगा आपके टेंशन न्यूमोथोरेक्स यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे डेवलप होगा, तो ये ट्रेकियल डेविएशन के वहीं पर डेवलप होता है, मतलब ट्रेकिया जहाँ पर डिवाइड होता है दो भाग में, ठीक है, तो राइट आंसर सी चला गया, ठीक है, ये लेट साइन है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट एमसीक्यू कि देखो इसके अंदर और लाइन लिखे है कि ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है और इसको नीडल डिकम्प्रेशन के द्वारा ट्रीट किया जाता है,
नेक्स्ट, ए क्लाइंट रिसीव ए नेबुलाइजर ऑफ एल्बुट्रोल, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन? इस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट बताने हैं आपको। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ड्राउजीनेस और फीडिंग कोल्ड। तो यहाँ पे टेकिकार्डिया होगा, किसका? एल्बुट्रियोल का, यहाँ पे टेकिकार्डिया, राइट आंसर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेनल कैलकुलाई? रेनल कैलकुलाई है तो क्या पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, फ्रैक्चर फीमर हो सकता है, गाउट हो सकता है, या डिस्क डिजीज हो सकती है? कौन सी कंडीशन जो है इससे रिलेटेड है, रेनल कैलकुलस से रिलेटेड है? राइट आंसर चला गया यहाँ पे प्यार दोस्तों, गाउट, गाउट, ठीक है, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड जो डेथ का जो कारण है वो पूछा है। एचआईवी एड्स, मलेरिया, टीबी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सीएचओ का एमसीक्यू है, सीएचओ का एमसीक्यू है, सीएचओ लगा देना आप 2025 राजस्थान सीएचओ आने वाला है। बिल्कुल सीएचओ का एमसीक्यू आएगा है, वर्ल्ड वाइड पूछा है, वर्ल्ड वाइड कौन सी डिजीज है जो मोस्ट डेथ का कारण है? एचआईवी एड्स से ध्यान रखना, कोई सी की डेथ होती है लेकिन वो एंड स्टेज में होती है, ऐसा नहीं होते से ही डेथ हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे नहीं होती है, ठीक है। मलेरिया की मैं बात करूँ, मलेरिया भी इतना जल्दी यहाँ पर ग्रोथ या इतना जल्दी नहीं फैलता है, ठीक है, मतलब इसका भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस इतनी देखने को नहीं मिलती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। टीबी, टीबी से इतनी डेथ नहीं हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हैं जिसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम आती है, एमआई, क्या आता है? एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, हार्ट अटैक, क्या बोल सकते हैं? हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। ये 2 से 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा होती है, 2 से 4 AM बोल सकते हो, इसके बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? नेक्स्ट, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये डी में लिख देता हूँ। नेक्स्ट है आप सभी के सामने मिस्टर बबीता, ओहो मिस्टर बबीता जटलाल की, मिस्टर बबीता इमरजेंसी रूम में आई है बीइंग इन्वॉल्वड आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो व्हाट वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक? इंक्रीज पल्स, डीप ब्रीथिंग, पैलर एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसको होगा शॉक। ठीक है, इसको होगा शॉक और शॉक की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? शॉक की वजह से होता है हाइपोटेंशन। शॉक की वजह से डेवलप होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। पैलर, पैलरनेस नहीं होता है। डीप ब्रीथिंग ये नहीं होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा इंक्रीज पल्स, मतलब प्यार दोस्तों इस पेशेंट को हो जाएगा टेकिकार्डिया। क्या हो जाएगा? टेकिकार्डिया, ठीक है, इस पेशेंट को ये डेवलप हो जाएगा। बड़े आगे ये हेमरेजिक शॉक के अंदर इस पेशेंट को होगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, क्वेश्चन बड़ा है, एमसीक्यू को अच्छे से लर्न करें। ए क्लाइंट प्रेजेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ए ब्लड प्रेशर 180/130 mmHg, मतलब ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस का पेशेंट है, हेडेक है उसको, कन्फ्यूजन है पूरा का पूरा, कन्फ्यूज हो रहा है। विच एडिशनल फाइंडिंग कंसिडेंट विद ए
डायग्नोस्टिक और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो जॉइंटिस है क्या उसको, ब्रेडिकार्डिया है, रेटिनोपैथी है या यूरिनरी रिटेंशन है, हेडेक हो रहा है। देखो तो हेडेक हो रहा है तो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से नहीं हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं है उसको, क्योंकि ब्रेडी की जगह पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, या फिर सॉरी ब्रेडी तो होगा लेकिन सीवियर ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। तो यहाँ पर रेटिनोपैथी जो है ना, रेटिनोपैथी ऑप्शन वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उस पेशेंट को हेडेक के साथ में कन्फ्यूजन भी हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा, हेडेक, सी सॉरी रेटिनोपैथी, सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ये तो कॉमन सेंस के सवाल है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। कौन सी जो लाइन है वो टेस्टिस के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो जो इनकरेक्ट है ना वो बतानी है। आज गला बैठ रहा है, बोला इसीलिए मतलब इतनी आवाज़ निकल नहीं पा रही है, मैं एमसीक्यू को इसीलिए धनाधन चला रहा हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, तो टेस्टिस आर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, फिर लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लिखा है टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, और फिर लिखा है टेस्टिस हैव इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड लेब्रेशन ऑफ ओवा। राइट आंसर तो सबको पता चल ही गया, अब जो सही नहीं है कौन सा सही नहीं है, तो ओवा, क्या ओवा टेस्टिस बनाता है, नहीं बनाता है, बाकी सारे तो राइट है, ये सारे फंक्शन तो है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है अपन को ही पता है, ठीक है, इनिशियल लाइफ में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन ही होता है ये टेस्टिस, फिर ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी रोल प्ले करता है, और स्पर्मेटोजोआ भी बनाता है, मतलब स्पर्म बनाता है, ठीक है, तो ये भी बनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा, डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, मीना नाम की पेशेंट है, ओल्ड वुमन है, मतलब बूढ़ी है, वाज नाउ इमोबिलाइज्ड एंड ब्रॉट इन द इमरजेंसी रूम, वो हिल डुल नहीं पा रही है, ठीक है, और उसको इमरजेंसी में लाया है, तो द एक्सरे शो फ्रैक्चर्ड फीमर एंड पेल्विस, पेल्विस और फ्रैक्चर फीमर का फ्रैक्चर है, तो नर्स वुड केयरफुली मॉनिटर फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम, कौन से साइन सिम्टम वहाँ पे नर्स मॉनिटर करेगी, तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, फीवर, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, फीवर और हाइपरटेंशन। अब देखो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि ब्रेडिकार्डिया के साथ में हाइपरटेंशन आता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर फीमर है, ठीक है, तो उस पेशेंट को क्या आएगा, या उस पेशेंट को क्या होगा, फ्रैक्चर फीमर, पेल्विस फ्रैक्चर है, तो पल्स रेट उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पल्स रेट या हार्ट रेट जिसको आप बोल सकते हो, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया जहाँ पे भी लिखा है उसको हटा दो, ठीक है, उसके साथ में अगर हाइपरटेंशन जहाँ पर भी लिखा है उसको भी हटा दो, तो ब्रेडिकार्डिया को मैंने हटा दिया, हाइपरटेंशन नहीं होगा उस कंडीशन में, इंक्रीज हार्ट रेट है तो हाइपरटेंशन होगा, तो ये भी मैंने हटा दिया है, हाइपरटेंशन है। अब देखो इंक्रीज हार्ट रेट टेकिकार्डिया होता है, ठीक है, और हाइपरटेंशन साथ में होगा, कंडीशन और क्या हो जाएगी, शॉक वाली भी हो सकती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन आपके डेवलप हो सकती है प्यारे दोस्तों। और राइट आंसर क्या चला गया, सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच विल कंसिडर फिफ्थ वाइटल साइन इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, तो चार वाइटल साइन कौन से होते हैं, पांचवा तो अगर मान लो इन ऑप्शन में से हो गया तो चार कौन से होते हैं, तो पहला तो होता है यहाँ पे, पहला यहाँ पे वाइटल साइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और पांचवा, और इमरजेंसी में तो पहला है टेम्परेचर, फिर है पल्स, फिर है ब्लड प्रेशर, फिर है रेस्पिरेशन, ठीक है, और फिर है यहाँ पे SpO2। ये तो हुआ आपके नॉर्मल जनरल चीज़ों में वाइटल साइन पाँच, ठीक है। अब यहाँ पे इमरजेंसी की बात करो तो ये चार तो रहेंगे इमरजेंसी में, अब यहाँ पे पांचवा जो होगा इमरजेंसी में वो होगा आपका प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, प्यूपिल रेस्पॉन्स, क्या होगा, प्यूपिल रेस्पॉन्स। अब हटाओ, टेम्परेचर हटा दिया,
नहीं होगा, पल्स नहीं होगा। और पेन, पेन जो होता है ना पेन, वो अपन देखो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कई बार, कई बार पेन भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी चला गया। पिपिल रेस्पॉन्स, यहाँ पे अच्छी लाइन निकल के आ रही है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। रूटीन वाइटल साइन की जो आपके पास में होती है ना, रूटीन लिए आप वाइटल साइन चेक कर रहे हो, तो आपको TPR BP ही करना है। मतलब पहले टेम्परेचर चेक करना है, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन और फिर BP करोगे, ठीक है। ये रूटीन है जनरल, कोई भी पेशेंट आ गया तो आपको इस प्रकार से मेंटेन करना है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इमरजेंसी में आपके होगी पल्स सबसे पहले, फिर आपके रेस्पिरेशन होगा, मतलब कंप्रेशन सबसे पहले देना पड़ेगा, फिर आपका एयरवे क्लीनिंग और फिर ब्रीथिंग होता है, सबको पता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर BP होगा और फिर क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो जनरल मैंने लिखा ना, एक याद कर लो, ठीक है। एक ये मैंने याद किया तो इस T को उठा के मैंने पीछे डाल दिया और ये क्या हो गया, इमरजेंसी का मैनेजमेंट हो गया। अब देखना आगे न्यू बॉर्न का मैनेजमेंट में मैंने और भी कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ एक काम किया है, न्यू बॉर्न के टेम्परेचर में मैंने क्या किया है कि इस R को मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। R यहाँ पे आ गया, R आगे आ गया, ठीक है। RP तो मैंने यहाँ पे लिखा RP, R और P, ये RP, ये R, ये P, फिर T, फिर BP। अब इसमें क्या किया, जिस प्रकार से मैंने T को वापस पीछे ले गया था, उसी प्रकार से मैंने क्या किया, ये R से मैंने शुरू किया और इस तरफ बढ़ा मैं, फिर पीछे से आगे की तरफ आता गया, ठीक है। इस प्रकार से यह सेट हो जाएगा न्यू बॉर्न में। तो इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट MCQ क्या बोल रहा है आपको, एपिस्टेक्सिस के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आज नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको देना है कल की क्लास में, ठीक है। तो व्हेन ए क्लाइंट हैज़ एन एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस का एपिसोड आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट, अप्लाइंग आइस बैक ऑफ क्लाइंट नेक, टिपिंग क्लाइंट बैकवर्ड एनकरेज, डिटरमाइन क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी को आपने देखा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसी एक पॉजिटिव लाइन थॉट के साथ में अमिताभ जी की लाइन है, ये बहुत मतलब उनके पिताजी थे तो उनकी लाइन है, कहने का मतलब हरिवंश राय जी बच्चन की, ठीक है, कविता है ये। तो उसी के साथ में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, तो कल फिर मिलते हैं अपन, और रात के 8 बजे के टाइम पर और भी बातें करेंगे अजब गजब नई नई। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।